पास में पूछना होगा। हाँ तो टुडे वी लास्ट वी हैव कंप्लीटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। लास्ट वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वॉज बीसीडी एडिशन। ठीक है, अब आज जो हम कर रहे हैं वी आर कंटिन्यूइंग दैट टॉपिक विद द एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आज पहले मैं इसे चार पांच एग्जाम्पल्स इसमें कंप्लीट कर रही हूँ। आपका ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे, चार पांच एग्जाम्पल्स हम उस पर कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ इतना रहेगा कि मैं जितने भी कोड्स बचे हुए हैं उस पर सब एग्जाम्पल्स करा जिसमें मैंने नहीं करा। ठीक है, कल हम पैरिटी करेंगे, इट वुड बी ओवर इन अ सिंगल वन डे। ठीक है, और मंडे ऑनवर्ड्स संडे आपका टेस्ट होगा डिजिटल का, जितना मैंने करवा दिया है उतना। ठीक है, और मंडे वेडनेसडे से जो नेक्स्ट जो भी आएगा, जो भी टर्न आएगी, उस नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको कराऊंगी लॉजिक गेट्स नया चैप्टर। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट कीजिए। देखिए एग्जांपल्स ऑन एग्जाम्पल्स में ये 9797 97 decimal and 72 decimal. दो मिनट आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूर लीजिएगा। 72 decimal को का योग या सम, 97 and 72 decimal का सम बी सी डी मैथड से सॉल्व कीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं डू द एडिशन ऑफ दीज टू डेसिमल नंबर बाय द बीसीडी मैथड। बीसीडी प्रणाली से दो नंबर्स, इन दो डेसिमल नंबर्स का एडिशन कीजिए। ये क्वेश्चन कीजिए मैडम, देखें कैसे करेंगे आप। सबसे पहले यहाँ देखो, सबसे पहले क्या करोगे 97 का, फिर दूसरा नंबर कौन सा है, ये फर्स्ट नंबर हो गया 72। ठीक है, अभी 97 इज नॉट इन द रेंज ऑफ द डेसिमल्स, बिकॉज डेसिमल इज जस्ट काउंट फ्रॉम द 0 टू 9 ऑनवर्ड्स, दैट्स इट, अप टू 9, नॉट ऑनवर्ड्स, 0 ऑनवर्ड्स एंड अप टू 9। डेसिमल जो होता है उसकी जो रेंज होती है वो सिर्फ 0 से 9 होती है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, लेकिन अगर हम सिंगल सिंगल नंबर को देखो, 7 को देखो, तो इट इज इन द रेंज ऑफ द डेसिमल। ठीक है, 9 इट इज इटसेल्फ इन द रेंज ऑफ अ डेसिमल। सिमिलरली फॉर द 72, 2 इज इन द रेंज ऑफ द डेसिमल एंड 7 इज अगेन इन द रेंज ऑफ द डेसिमल। तो आप अब क्या करेंगे, सबसे पहले 9 की बाइनरी लिखेंगे, 7 की बाइनरी लिखेंगे, 2 की बाइनरी लिखेंगे, फिर इसका एडिशन। ठीक है, कीजिए बनी बनाई बनी मेरे पास, मैं लिख देती हूँ। 7 की है 0111 और 9 की है 1001। ठीक है, जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख ले, या जो लोग क्लास के अंदर कभी क्लास के अंदर आए हो वो अपने साथियों से पूछ लें कि इसकी बाइनरी कैसे बनेगी, इट हार्डली टेक्स अ 1 मिनट। ठीक है, अब उसके बाद फिर 7 की बाइनरी लिखो, 0111 और 2 की क्या जाएगी, 0110 आ गई। ठीक है बच्चों, अब इसको ऐड कीजिए,
अब इसको ऐड करो, आपको उसको ऐड नहीं करना, आपको उसको ऐड करो, करो सर जल्दी से। देखो वैसे भी आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 और 2 कितना होगा, इसे भी कर सकते हैं 9, और 9 और 7 कितना होगा 16। तो अगर निबल्स में आप देखो, निबल्स में देखो तो इसका एडिशन क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। आपको क्रॉस चेक कराओ, ठीक है, क्रॉस चेक इसलिए बता रही हूँ कि आपको गलती ना हो, ठीक है। तो जैसे कि ये सिर्फ फर्क इतना कि हम जनरल यूज में डेसिमल्स में करते हैं, हमें बाइनरी में करना है, आंसर तो फिर भी सेम ही आएगा। मैं इसको ए लिखूं या इसको ए लिखूं, है तो ये ए ही ना, ठीक है। तो क्या करोगे, 9 की बाइनरी उठा के यहाँ लिख दो, 9 की बाइनरी क्या चाहिए, 1001 आना चाहिए, ये 9 है ना, ये निबल हो गया ना, ये देखो ये डेसिमल नंबर निबल्स के बराबर हुआ, कितने 4 बिट के हुआ, तो 1 आ गया, 101 हो गया एडिशन में। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता था, इधर जो बोरो लेते थे उसका रिजल्ट नीचे आता था और 0 आगे पास हो जाता था, ऐसे ही होता था। तो ये याद रखने वाले होंगे, ठीक है। बाकी मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि 0 1 कैसे हो रहा है, ये लोग आए थे बहुत अच्छे से, आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 0 1 1 1 0, ठीक है, फिर कैरी आ गया 1, कैरी आ गया 1, तो 1 1 1 1 0 और 0 0 0, और फिर कैरी यहाँ पास हो जाएगा। मैंने कहा था 4 बार भी जोड़ोगे, 4 बार भी जोड़ोगे उसके रिजल्ट को जोड़ना है। अगर आपके पास 3 नंबर है, देखो ऐसे आपके 3 नंबर है, तो आपको क्या करना है, 1 1 0 कैरी आया 1, कैरी इसमें नहीं जुड़ेगा, 1 1 0 कैरी आ गया 1 1 एक तरफ रख दिया, फिर क्या आ गया 0 1 0 1, ठीक है। और कैरी चाहे अभी एक बार और आ जाए तो यहाँ पे भी कैरी आ जाएगा, लेकिन कैरी 2 बार पास नहीं होगा, कैरी एक ही बार पास, ठीक है। ये एडिशन का है, फिर से समझ लो, देखो यहाँ पर 1 0 1 0 क्या है, 1, एक में 0 जोड़ोगे एक ही आएगा, 0 में 1 जोड़ोगे एक ही आएगा, 0 में 0 जोड़ोगे 0 आएगा, 1 में 1 जोड़ोगे 2 नहीं आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, इसलिए आएगा उस वाली रीजन बता। अगर आप 1 में 1 जोड़ते हो तो 2 आना चाहिए, सुन लो मेरी बात, जैसे करें हमें बाइनरी में लिखना है, तो 2 की बाइनरी क्या होती है, 0 0 1 0, तो आपको लोअर बिट तो एक ही बिट तो लोगे एट अ टाइम, लेफ्ट वाली वो तो रेड पे डाल देते हो, और जो ये 1 है वो क्या एज अ कैरी, और यही रिवर्स इसमें हो जाता है सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है, ये तो आगे पास हो जाता है, ये तो आगे पास हो जाता है 0, और 1 क्या हो जाता है, जो उसका MSP होती है, क्योंकि क्या, क्योंकि इसका भी रीजन उसमें क्या होता है, जो बोरो है वो जुड़ रहा है, क्यों, क्योंकि सब इसमें एडिशन में तो आप लेफ्ट टू राइट चलते हो, सॉरी राइट टू लेफ्ट चलते हो, ऐसे लेते हो ना राइट टू लेफ्ट, कैरी ऐसे पास होता है ना, कैरी ऐसे पास होता है, और बोरो में क्या होता है, उधार ले लो, तो बोरो में क्या होता है, आप लेफ्ट टू राइट चलते हो, आप MSP से LSP की तरफ चलते हो, तो जो पहली बिट है वो क्या हो जाती है, वो होती है आगे मेरे पास, मतलब इससे सिंपल कुछ नहीं, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले हम एडिशन पे देखते हैं, एडिशन में आपको हमेशा सिंपल वैसे ही करना है जैसे हम करते थे, मैंने आपको बताया डेसिमल प्रोसेस वही है, बाइनरी प्रोसेस वही है, लेकिन सब क्या है कि हमारी जो मशीन है वो ASCII में चलती है, वो फॉर्मेटिंग आपकी बाइनरी में चलती है, मशीन लैंग्वेज पे काम करते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज। तो आप क्या कर रहे हो, 1 0 1 1 1 0 कैरी 1, फिर कैरी नेक्स्ट में जुड़ेगा 1 1 0, अब देखो ऐसे करेंगे प्रोसेस, 1 1 0 कैरी आ गया 1, लिख दिया वो कैरी पे एकदम ही पास कर दो, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, साथ साथ कैरी दे दो, 1 1 0 0 आया 0 0 0 इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ गया, ये फिर से 0 आ गया 1 1 0, ठीक है 0 0 0, एक बार फिर से कैरी आ गया, वो यहाँ पहुँच गया 1 0 1 1 0, ये वैल्यू इसके बराबर आ गई 9 की। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे नहीं समझ आया कि मेरा आंसर सही है या गलत है, तो
सिंपल सी बात है, ये जोड़ना सबको आता है, दो बिट पर डिवाइड करो, देखो ये किसके बराबर, सात आठ दो, यहाँ दो आ रहा है, खत्म हो गया, नौ की बैलेंस दो खत्म था, जोड़ करने की जरूरत थी, ठीक है। अब इसमें चलेंगे वन वन जीरो, ठीक है। अब आपका जीरो वन वन, जीरो वन वन और समझ आ रही है, क्लियर है, करो सॉल्व करो। अभी मैं आपको बताती हूँ, हमने मैंने आपको 15 तक बताया, जो 16 नंबर आ रहा है वो समझ आ रहा है हमें, 8081 यही समझाया था, 8081 4041 2021 1011 वो था हेक्साडेसिमल के लिए 0 से 15। अब यहाँ तो आ रहा है 16, अब हमें पता है कि 16 जो है वो रेंज में नहीं है, अगर यहाँ पे कैरी नहीं होता, यहाँ सुन लीजिए, अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे 0 होता, सुन लो यार, सपोज यहाँ 0 होता तो ये कैरी यहाँ से पास होकर सिर्फ 1 आ जाता, फिर तो कितने बिट का आता, सिर्फ 4 बिट का आता। लेकिन कैरी जो यहाँ पे एमएसपी पे जो कैरी है वो हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, वो कैरी हमारा यहाँ पे पास होगा। तो अब ये कितने बिट का बन गया, 5 बिट का, तो 5 बिट का फिर हम कहानी क्या करेंगे, 8081 जैसे किया था ऐसा करेंगे, 8081 कर चुके हैं, उसके बाद फिर आपके चलोगे 16 0 16। डेसिमल में तो आपकी जो ये सिंपल आपकी जो बाइनरी चल रही है, ये वाली बैठी तो 0 1 2 3 4 9 चल रही है, लेकिन उसके बाद में फॉर्मेट आगे चल रहा है, हेक्साडेसिमल के बाद में भी, डबल हेक्साडेसिमल की बात करूँ तो 15 16 17 18 19 चलता रहेगा ना, आपको 16 के बाद जो नेक्स्ट आ रहा है आपको पता है वहाँ 1 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, वहाँ 1 लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, जब आप 16 0 करोगे तो 15 तक तो 16 0 आएगा, 15 तक 16, 0 से 15 तक 16 हो गए ना, 16 0 पे 15 पे, और फिर 16 पे आपको 1 स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपको उतना बड़ा याद तो नहीं रख सकते ना, इतनी बड़ी थोड़ा ना बनाओगे, 15 तक तो बन सकते हैं, अब आगे आगे थोड़ा ना बनाते रहोगे। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मेट को यूज करोगे, इसे करेंगे 9 और 7 कितने होंगे 16। अब 16 डेसिमल की रेंज में नहीं है, क्या करोगे, क्या जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे, 6 जोड़ने के लिए क्या करोगे, 0 110, ठीक है, जोड़ो 0 110, ठीक है, ये तो रेंज में है, ये रेंज में नहीं है, इसमें 0 110 जो करो, 0 0 0 0 1 1 0 1 1 करो, 0 1 1 एक मिनट, ये आगे हाँ, अभी रुको, अभी पहले करो उसके बाद, पहले करो, मैं इसको पोस्ट कर लूंगी, पोस्ट करके बताऊं, अभी सुन लो, रेंज में कौन सी नहीं थी, पूरी नहीं, 16, ठीक है, 16 के लिए मुझे ये लेना पड़ेगा, तो 6 तो मैंने इधर ऐड कर दिया है ना, नहीं तो होगी, और ये जो 1 है इसके आगे भी तो मुझे 0 0 0 0 लगाना पड़ेगा, तभी इसको सॉल्व करूंगी। इस 16 को भी तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, 16 ऐसे ही तो आ रहा है, 16 फोर बिट का पेयर हो रहा है, 16 आया ना, 16 में आपने 6 ऐड किया, 16 की बाइनरी क्या लिखी है आपने, ये जो आप 16 की बाइनरी लिखी है 0 0 0 और यहां पे लिखा था 1, तो अब अगर आप 6 ऐड करोगे तो 6 तो आप इधर ही ऐड करोगे, हां या ना, 6 तो आप इधर ही ऐड करोगे, ये 1 तो फिर भी बच गया, या तो आप 1 को एज इट इज उतार दो, लेकिन ये वाली तो अलग वैल्यू हो गई 6, और ये क्या बन गई 0 0 0, तो ये क्या बन जाएगी, आगे मेरे पास सवाल, तो ये एक अलग बिट होगी, क्लियर, निब्बल्स होगी ना, अगर एक निब्बल एक निब्बल, मैंने कहा कि निब्बल्स जो है वो 4 बिट का कॉम्बिनेशन होता है, तो हमें हर बार निब्बल्स चेक, आ रही मेरी बात समझ, क्लियर है सबको। आप एक काम कीजिए, मैं एक मार्कर आपको और दे रही हूँ, और
जिसको प्रॉब्लम है वो हाथ उठा दे, ठीक है मदर इन लॉ। एक क्वेश्चन और सॉल्व, आगे सबको समझना कि क्या है, जो लोग डेली आ रहे हैं आपको समझ आ रहा है आगे। एक क्वेश्चन और करो, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। इसको रब कर दो क्या? चलो एक क्वेश्चन और करो, तब समझ आए। एडिशन की टेबल एक बार बना लो, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0, ठीक है? ठीक है, एक क्वेश्चन और करो जल्दी से। 49 over 28 का एडिशन करो, जिनको समझ आ गया कीजिए। 49 28, ठीक है, कितना आ जाएगा? 8 8 16 1 17, अरे मेरे पास क्लियर है? इस तरह आगे करो, मैं 4 5 6 और 1 7 करो जल्दी। आंसर क्या होना चाहिए? 77 में होना चाहिए, ये भी डेसिमल्स में है। अब 4 की बाइनरी लिखो, 9 की बाइनरी लिखो, 2 की बाइनरी लिखो, 8 की बाइनरी लिखो, सॉल्व करके देखो एडिशन में ये आंसर आ रहा है नहीं। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मेरे से पूछो। छोटी सी बहुत ही माइनर सी चीज है, लेकिन वो स्किप कर दी है, लॉजिक था वो। देखो नंबर का हमें डेसिमल में दिया गया, उसने आगे बोला उसे बीसीडी एडिशन से करो, रिजल्ट हमें किसमें, हमने देखा किसमें आंसर सेम आना चाहिए। यहाँ क्या आ रहा है? 71। अब यहाँ देखना कि क्या देखा, क्या किया हमने इसके अंदर, ये काम किया है। जैसे आपकी ये जो वैल्यू है, अगर मैं यहाँ से देखो आपको कि मैं 77 देखूँ तो ये तो रेंज में है, ठीक है, लेकिन आपको पूरा आंसर, पूरा नंबर क्या दिया गया था? 49 दिया गया, फिर आपको 28 दिया गया था कि ये डेसिमल्स में, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसके अंदर आपको क्या करना है, पूरा नंबर देखने के बाद आपको पूरा नंबर देखना है कि वो पूरा नंबर रेंज में है या नहीं, फिर उसमें अलग अलग देखना था। आगे मेरी बात समझ, पहले आपको पूरा नंबर देखना है। अब ऐसा क्यों हुआ कि कहाँ गड़बड़ हो गई? अभी हमारा जो इससे पहला रिजल्ट था वो 169 आया था, ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि मैम वहां तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखा था, वो इसलिए देखा था क्योंकि आपका कैरी पास हो गया था, आपकी एक बिट एक निबल्स पूरी पूरी बढ़ गई थी, समझ आया कि? लेकिन अगर आप 69 देखे तो भी वो आपका रेंज में नहीं, समझ आया कि? तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, 71 के अंदर अगर मैं ये कहूँ, देखो मेरे हिसाब से मैं बता दूँ बुक में क्या किया होगा, ठीक है, बुक में ये किया होगा कि 71 में 6 जोड़ा हुआ होगा। अब कहानी ये आई है कि जोड़ तो रहे हैं हम निबल वाइज और आंसर देख रहे हैं हम बाई, ये तो हो रहा है। मैंने अभी तुम्हारे से क्या कहा, ये वाला तो मैंने देखा निबल वाइज, कैरी तो एक अलग चीज हो गई, 16 पूरा नंबर था ना विद कैरी आंसर देख रहा था, ये तो देख रही मैं निबल वाइज और यहाँ देख रही मैं पूरा बाइट वाइज, तो लॉजिक ही गलत हो गया, या तो आपने मैं पढ़ाया गलत है या आप हमें बता गलत रही हैं, ठीक है। तो मेरी एक पूरी बात सुनिएगा, यहाँ पे आप बुक में गलत दिया है क्योंकि जो भी हम काम करते हैं बाइनरी में काम करते हैं, निबल्स में जब भी हम एडिशन करते हैं बीसीडी एडिशन, क्योंकि वो है ही डेसिमल और डेसिमल 4 बिट से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, आप उसको
वर्ड को आपने वर्ड नहीं बोला, आपने इसलिए उसको निबल्स बोला है फोर बिट का। जब हम एडिशन निबल्स में कर रहे हैं या फोर बिट के कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं तो मैं एडिशन भी किस में देख, रिजल्ट जो है वो भी किस में देखना चाहिए, जिस प्रोसेस में आपने उसको सॉल्व किया है। हाँ या ना? तो आपको बुक में ये कहा होगा जो 71 है, मैं उसका रिजल्ट बताती हूँ कि क्यों गलत है। जो 71 है उसमें उसने उसको 6 जोड़ा है तो आंसर 77 आ रहा है। अब मेरी पूरी बात सुनो, मैं क्या बता रही हूँ, बुक गलत है, मैं गलत हूँ, कौन गलत है, पूरा समझो। आंसर आना चाहिए 77, हाँ या ना? लेकिन यहाँ जो आंसर आ रहा है कितना रहा, 71। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे तो डेसिमल के हिसाब से चलना है ना, डेसिमल के हिसाब से चलना है, यानी उसके हिसाब से जो डेसिमल है वो रेंज में 77 डेसिमल रेंज में। तो इस वैल्यू को क्योंकि मैंने हमेशा बोला है, कभी भी आपको जब सिखाया जाएगा ना कहीं पे भी, तो आपको क्रॉस चेक के लिए डेसिमल्स में जरूर बताई जाएगी। तो अगर आप ऐसे लेंगे 71 तो वो तो रेंज में आ रहा है, लेकिन आप अगर उसको अलग से कैलकुलेट करके देखो इस वैल्यू को, तो ये वैल्यू 77 आ रहा है। वैल्यू क्या है? 77। ठीक है, तो इस 77 वैल्यू को लाने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना। समझ आ रही है बात? तब ये 77। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो बीसीडी एडिशन से हम काम कर रहे हैं, रिजल्ट आपका डेसिमल के बराबर ही आना चाहिए हर बार। अगर डेसिमल के बराबर नहीं आ रहा है तो आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको हर बार उसमें 6 ऐड करना। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है या नहीं है? क्योंकि वो वाली बात बिल्कुल सही है कि मैं अगर निबल वाइज देखना चाहे तो ये भी रेंज में है, ये भी रेंज में, 7 भी रेंज में और 1 भी रेंज में। लेकिन अगर आप सिंपली जो एडिशन करते हो, वो एडिशन क्या है, 77, तो 77 अलग से ये 7 ये 7, तो इधर वाला तो रेंज में है पर इधर वाला रेंज में नहीं, तो इधर में डेसिमल की रेंज में लाने के लिए क्योंकि एडिशन तो आपको यहीं से मिलना है तो आपको उसमें 6 ऐड करना पड़ेगा। आपको चाहे वो रेंज से बाहर हो या डेसिमल के बराबर वैल्यू ना आए, ये मैंने पहला एग्जांपल कराया है जिसमें मैंने ये किया अब तक। तो मैम हमने पहले एग्जांपल में ये किया कि पहला पार्ट सेकंड थर्ड पार्ट तो मेरा नॉर्मल रेंज में आ गया, हाँ। 4 बिट की रेंज में आया, सेकंड पार्ट 5 बिट की रेंज में चला गया, 16 हो गया, तो हमने उसमें 6 जोड़ के 4 बिट की रेंज में बन बनाया। हाँ, तो इस जब ये 17 आ रहा है, अच्छा एक मिनट, एक 17 आ रहा है, इसमें 6 जोड़ के, एक मिनट मेरी बात सुनो, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, अगर मैं पूरी रेंज को उठा के करूंगी तो 77 की मैं कहीं बनाऊंगी, वो आप 16 0 16 1 फिर 32 0 32 1, तो वो वैल्यू आगे बिट में क्रॉस हो जाएगी, आगे बिट। जैसे मैंने कहा ना कि 15 तक चले, देखो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, 15 तक चले तो 8 0 8 1, 4 0 4 1, 2 0 0 से 9 तक पहुंचना, फिर 15 तक जाना था, 15 तक जाना था तो 8 0 8 1 तक, 16 वैसे हो गए थे। फिर हम जब 16 पे गए तो मैंने अपने आप को 16 0 16 1, फिर वो 5 मिनट में क्रॉस कर गया। फिर हम आगे देखेंगे, जब आप 77 को 2 से डिवाइड करके भी देखेंगे ना, तो आपकी वैल्यूज क्या है, नंबर ऑफ बिट्स क्रॉस हो जाएंगे वो, क्योंकि हमारी जो क्रॉस जो आपकी 77 की बिट है, 77 को अगर आप अलग अलग लिख रहे हो तो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे 49 एक नंबर है। आ रही मेरी बात समझ? तो उसको रेंज में आपको हर बार, मैंने इसलिए सबसे पहले बताया था, हर बार आपको डेसिमल का रिजल्ट जरूर लिखना है। अगर या तो वो रेंज में नहीं आ रहा हो तो 6 ऐड करना है, अगर आंसर ऐड आपने सही किया है और रिजल्ट जैसे यहाँ से 6 की कमी आ रही थी, यहाँ 71 आपका 6, तो आपकी क्या आ जाएगी, वो बनेगी। समझ आ गई? ये ऐसा इसलिए होगा, मैं आपको बता देती हूँ कि वही 16 जैसे मैंने आपको बताया था, 9 के बाद में अगर आपका सपोज ए है, जैसे 0 से 9 तक तो रेंज में आ गया और आपका आंसर आ रहा है ए, तो आप क्या करोगे, 6 ऐड करोगे तो आप फिर वो 0 से स्टार्ट करना शुरू कर देते। अगर मैंने कहा कि वहाँ पे बी था, ठीक है, तो आपने 6 ऐड किया, बी 6 ऐड किया, सी डी ई एफ 0 1, तो वैल्यू फिर 1 में फिर रोटेट हो जाएगी। समझ आ गई बात? तो ये जो 71 है ना, जब इसकी जो कॉम्बिनेशन बिट्स आएगी, जब आप 6 ऐड करोगे तो वो वापस उस रेंज में पहुंच जाएगा, उस 7 उस रेंज में पहुंच जाएगा, जिसकी बाइनरी लिखना हमारे लिए डेसिमल की रेंज में आना आसान हो जाएगा, इसलिए ऐसा। अगर मेरे पास दो केस है, या तो आपका जो नंबर है रिजल्ट वो रेंज में ना रहा हो, और दूसरा आप कहाँ से चेक करोगे, डेसिमल से, डेसिमल में ना रहा हो तब भी आप क्या चेक करोगे, 7।
आप सिक्स उसके अंदर ऐड करो, हर बार आपको सिक्स ऐड करना। दो केसेस हो गए ना, एक तो मैंने पहला बताया कि भाई ए बी सी डी अलग अलग निबल्स रेंज में ना रही हो, या दूसरा क्या बताया कि रिजल्ट देखो तुम्हारा क्या रिजल्ट आ रहा है, डेसिमल में क्या आना चाहिए, सिंपल अगर आप ऐड करते हो तो क्या आना चाहिए, अगर वो उसकी रेंज में इट इज नॉट कमिंग देन यू विल हैव टू बी ऐड द सिक्स। आपको समझना है कि क्यों। वैसे मैं आपको बता रही हूँ कुछ चीजें छोटी छोटी बुक सिखा जाती है, ये वगैरह ये लॉजिक, मतलब यहाँ आया लॉजिक पता था, लेकिन ऐसे लॉजिक नहीं पता था कि ऐसा भी मैंने नहीं करा कोई एग्जाम्पल नहीं करा। मैं कह रही हूँ अब तक मेरे सामने ऐसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, ठीक है। डिजिटल में यहाँ पर पॉलिटेक्निक में पहली बार पढ़ा रही हूँ, डिजिटल पढ़ाते रहते हैं, ठीक है। आगे मेरी बात समझ क्लियर है वाली बात, छोड़ दो अब इसको, फटाफट नेक्स्ट वाला करो और काम करो। लिखो जरा अब नेक्स्ट लिखिए एडिशन ऑफ एक्सेस थ्री कोड नंबर। अभी बीसीडी किया था, अब हम एक्सेस थ्री कर दें, एडिशन हो सबका एडिशन करवा रहे जितने भी कोड्स हैं। पॉलिटेक्निक का सिलेबस बहुत बढ़िया डिजाइन हुआ हुआ है, चाहे तुम जो मर्जी को। एडिशन हो एक्सेस थ्री कोडेड नंबर, एडिशन हो एक्सेस थ्री, अभी आपने बीसीडी किया था, ठीक है, बीसीडी का एडिशन किया था, अब आपको एक्सेस थ्री कोड से करना, ठीक है। लिखो सर हिंदी एडिशन का पॉइंट बोल रहे हो, आप नाम कन्वर्ट कर रहे दो लिखिए, यदि एक्सेस थ्री नंबर्स के, यदि एक्सेस एक्सेस शॉर्ट में एक्सेस ऐसी कर एक्सेस थ्री नंबर्स के दो निबल्स के रिजल्ट में, दो निबल्स के रिजल्ट में कोई कैरी नहीं मिलता, कोई कैरी नहीं मिलता मीन्स देयर इज नो कैरी, कैरी नहीं मिलता तब रिजल्ट में, तब रिजल्ट में 0110 0110 0110 यानी 0011 0011 तो ये क्या आ जाएगा 0 1 10 11 0 1 2 3 आ जाएगा ना। ये तो आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट में अगर कोई कैरी नहीं मिलता है, आपने दो नंबर्स को जोड़ा एक्सेस थ्री के, और एक्सेस थ्री के जोड़ने में अगर कोई कैरी नहीं मिल रहा है, और इसमें भी निबल वाइज रहेगा, ठीक है, नहीं मिलता है, तो उसके जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में तीन घटाने पर रिजल्ट एक्सेस थ्री कोड में ही होता है, ठीक है, एक्सेस थ्री कोड में ही होता है। नेक्स्ट देखिए इसी का नेक्स्ट, अब ये तो था कि जब कैरी प्राप्त नहीं होता, लिखो इफ कैरी गेट या लिखो यदि कैरी प्राप्त होता है, अगर कैरी प्राप्त होता है तब वहां पे क्या किया था, घटाया था इनको, यहां पे क्या करते थे जोड़, तब रिजल्ट में
डबल जीरो डबल वन यानी तीन जोड़ने पर मिलने वाला रिजल्ट एक्सेस थ्री में ही होता है। चलिए देखिए प्रॉब्लम लिखिए। देखो सिंपल से दो चीजें, ये भी रिपल्स पे काम करेगा जैसे किसी की एडिशन में रिपल वाइज करते थे एडिशन, मतलब कहने का मतलब ये कि एडिशन आपका हमेशा रिपल वाइज होगा। दूसरी चीज इसके अंदर अगर आपको कैरी मिलता है, कैरी मिल रहा है तो आप क्या जोड़ दोगे, तीन जोड़ दोगे, अगर कैरी नहीं मिल रहा है तीन घटा दोगे। समझ आ रही मेरी बात, तो लिखिए जरा 34 डेसिमल और 42 डेसिमल्स ऐसे लिख दो, आप ऐसे लिखे शोर 34 एंड 42 को एक्सेस थ्री मैथड से जोड़िए। आपको किसी भी निबल्स में कैरी मिलना चाहिए बस, या नहीं मिलना चाहिए, स्टोरेज फुल हो गया ना भाई, कोई फोन रखना हो। अरे चलो छोड़ो, घर पे बना, छोड़ो एक मिनट रुको, है अभी चल रहा है, चलो फटाफट कर दो, देखो फटाफट पहले 34 की लिखो, करो फटाफट जैसे मैंने अभी बताया, 42 लिखो, 34 42 लिखो, आंसर आएगा आपको 76, 3 की लिखो 4 लिखो, आ गया मैसेज आ रहा है लिख देती हूँ, ठीक है मैंने नाम नोट, ये आपको समझ आ गया फिर 4 की लिख दो, 0 1 उसने बोला है दो निबल्स के जोड़ में, यहाँ दोनों निबल्स के जोड़ में देखना है कि कैरी कहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा, अलग अलग का नहीं देखना, जुड़ेगा निबल वाइज कैरी, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें नहीं मिला वो इसमें मिल गया या यहाँ से यहाँ पास हो गया तब भी, दो निबल्स के रिजल्ट में देखना है कैरी मिल रहा है या नहीं, ठीक है यही तो आएगी मेरी, ये 5 की हो गई भाई, एक मिनट का डाटा देख लो, 4 0 चार, अच्छा ठीक तो कह रहे हो, ठीक है ठीक है, अब 8 हो गया, अरे एक मिनट यहां तो देख ही आई 4 दे दो, 2 सही तो है, 1 0 अच्छा सॉरी सॉरी सही है सही, 0 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
जीरो वन जीरो वन टेन इलेवन हाँ हंड्रेड आएगा फिर वन हंड्रेड वन आएगा मैं अपना हंड्रेड स्किप कर जाती हूँ जीरो वन टेन इलेवन हंड्रेड वन हंड्रेड वन ठीक है अब सही फिर एक सौ ग्यारह पे दोबारा सीन स्टार्ट हो जाएगी तो ये आपका थ्री की बाइनरी होगी डबल जीरो हो जाएगी ठीक है फोर की हो जाएगी जीरो वन ट्रिपल जीरो और सॉरी डबल जीरो ठीक है ये वाली ठीक है चलो देखो जीरो में समझ गया और का फिर आप दीजिए अभी टू की एक बार मतलब मैं सारी कर दूंगी जीरो वन डबल जीरो और टू की क्या आ गई डबल जीरो वन ठीक है अब देखो कहाँ गलत हो गई फोर की तो यही आएगी और टू की यही आएगी अब सही है क्या हो गया कोई बात नहीं अरे बोल दो जीरो 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 वन 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 जीरो वन जीरो 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 ठीक है फिर वन 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 जीरो यहाँ पे कोई कैरी नहीं प्राप्त हुआ दोनों निबल्स के योगफल में कोई भी कैरी प्राप्त दोनों निबल्स देखना है दोनों निबल इसमें अलग अलग कुछ नहीं लिखा जाएगा जुड़ेगा तो पूरे में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा तो किसी में नहीं जुड़ेगा समझ आ गया मेरी बात जो घटेगा पूरे में घटेगा नहीं तो किसी में नहीं घटेगा समझ आ गया मेरी बात क्या डिफरेंस था वहाँ वहाँ है ना वहां पे अलग अलग निबल्स का देखते थे यहाँ दोनों निबल्स के योगफल इन दोनों निबल्स के योगफल दोनों निबल्स के योगफल में इधर का भी इधर के योगफल में कैरी मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो देखो समझ आ गया मेरी बात अब इसमें तो कैरी मिल नहीं रहा है तो मैंने क्या लिखवाया था जिसमें कैरी नहीं मिलेगा उसमें क्या करोगे अगर कोई कैरी नहीं मिलता तो डबल जीरो डबल वन आप हटा दो सारे में हटाना देखो डबल जीरो डबल वन डबल जीरो डबल वन को आपको माइनस करना ठीक है इसमें बिल्कुल डबल किया अरे मेरी बात तो सुन लो एक मिनट रुक जाओ